अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं एक कन्वेंशन पर, जहां पर आ रहे हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी, वजीर ज़राअत पंजाब। तो आज गाइस हम वहां चल रहे हैं और आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत तेज हो रहा है गाइस। फाइनली तो हम पहुँच गए हैं द फोर्ट बैंकॉक। तो उन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ था वहाँ पर पहुँच गए, तो यहाँ पे रश भी लगा हुआ दिखाएं। तो अब अंदर चलते हैं गाइस। तो हम अंदर पहुंच गए और आप देख रहे हैं, तो ये सामने जो ये उन्होंने केबल लगाया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने स्कीम चलाई हुई है कि यहाँ लकी ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अपना नाम लिखवाएं, तो लकी ड्रॉ में शायद आपका नाम निकल है। तो बहुत से तहाइफ हैं इनके पास, तो वो आपको देंगे। भाई हैं इनके पास आईडी कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड तो अभी बना नहीं हुआ, तो भाई अपना नाम लिखवाएंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। नाज़रीन एक और सस्पेंस सामने आया कि वो कह रहे हैं कि जिसका आईडी कार्ड नहीं भी बना हुआ वो भी अपना नाम लिखवा सकता है। तो गाइस मैं भी अपना नाम लिखवाऊंगा भाई के साथ साथ, तो आईडी कार्ड तो वो ले नहीं रहे, तो दोनों ही नाम लिखवाते हैं, तो मज़ा आने वाला आज। गाइस जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, तो आज उनसे मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आसिफ शाह। सर ये क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? ये सर सब्ज़ फातिमा फर्टिलाइजर्स के हवाले से मेगा व्हीट कन्वेंशन 2022 का प्रोग्राम है। आज हमारा बहुत बड़ा मेगा इवेंट है, जिसमें हमने अपने तकरीबन ये जनूबी पंजाब में से कुछ हिस्सों के जिम्मेदारों को इकट्ठा किया है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, तो आपको पता है कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ बहरान किस चीज़ का होगा? खाने का। तो गंदम का अगर बहरान हो जाएगा तो फिर मुल्क में कहत साली भी हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए हमने अपने जिम्मेदारों को यहाँ पर गैदर किया है, क्योंकि हमारे मुल्क का कुल सरमाया जो है वो हमारे जिम्मेदार हैं। तो हम चाहते ये हैं कि हमारे जिम्मेदार हमारे साथ मिलकर बैठकर एक ऐसा प्लान करें जिसमें हम अपनी आने वाली नस्लों को एक वसी यानी कि रोजगार और गंदम और अपना रिस्क इतना वसी कर लें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी हम बेहतर पैदावार, बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आज हम इकट्ठे बैठ के क्यों नहीं हासिल कर सकते? ये प्लानिंग हमें करना होगी, जमीन की तैयारी हमें कैसा करनी है, और उसमें हमने ये सरसब्ज नेट्रोफास, सरसब्ज का नेट्रोफास जो है इसका इस्तेमाल भी करना है, ताकि बेहतर से बेहतर हम पैदावार हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। तो गाइस आपने सुना कि बहुत ही मज़ा आया, इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि माशाल्लाह जो हमारे ज़मींदार हैं उन्हें चाहिए कि गाइडलाइन ली जाए और अच्छी से अच्छी पैदावार लेने के लिए जो इकदाम हैं वो किए जाएँ। की तरफ से आने वाले तमाम जितने भी हमारे जिम्मेदार भाई हैं, इन्हें हम तहे दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वेलकम। चल झूठा। गाइस देखा आपने? नहीं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार बना था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और आज का भी लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको धड़ धड़ मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।